हेलो दोस्तों, तो आज हम देख रहे हैं जेई मेंस का पेपर। देख रहे हैं कैसा लेवल आ रहा है पेपर को, आपको दिखाते हैं ना। इसका वीडियो सॉल्यूशन देखेंगे जो कब का है, 24 फरवरी को फर्स्ट शिफ्ट वाला पेपर है। 9 से 12 तक हुई थी, उस शिफ्ट का पेपर है फिजिक्स का। काफी इजी पेपर था, कुछ लेंथ नहीं था इसमें, एकदम बकवास था। कई क्वेश्चन तो ऐसे थे जिसको आपको पेन ही नहीं चलाना था। तो शुरू करते हैं फिर अपने यूट्यूब चैनल स्कूल स्ट्रीम डाउट पर। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, इफ टू आइडेंटिकल कैपेसिटर, क्या कह रहा है, इफ टू आइडेंटिकल कैपेसिटर, वन कनेक्टेड इन सीरीज, एक बार कनेक्टेड है सीरीज में, एंड वन कनेक्टेड इन पैरेलल, तो सीक्विलेंट सी टू, और पहले सीरीज में सीक्विलेंट सी वन दे रखा है, तो सी वन और सी टू का रेशियो पूछ रहा है अपने से, तो क्या आ जाएगा रेशियो बता दो। तो देखो पहले क्या कह रहा है कि टू आइडेंटिकल कैपेसिटर आर कनेक्टेड इन सीरीज। मान लो कि अपने पास दो आइडेंटिकल कैपेसिटर हैं, पहला सी वन, ये दोनों आइडेंटिकल है, तो ये सी पहले इस तरह से जोड़ रखा है इनको सीरीज में, तो इनका सी इक्विवेलेंट कितना आ रहा है अपने पास में, सी वन बताया है, लेकिन आएगा कितना है, सी बाई टू, यही आता है। फिर दोबारा बोल रहा है कि पैरेलल में, पैरेलल में कितना आ जाएगा, इस तरह से बोल रहा है, ये मान लो पैरेलल में हो गया, तो ये भी सी पैरेलल में कितना आ गया, सी इक्विवेलेंट, जो कि सी टू दे रखा है, टू सी हो गया पैरेलल में, तो अपने को सी वन अपॉन सी टू पूछ रहा है, तो सी वन कितना आ गया, सी बाई टू, और C2 कितना आ गया, 2C, तो C से C कैंसिल, तो 1/4, तो अपना यहाँ से कौन सा, इसमें फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। देख रहे हैं कैसे क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर टू, एक डायग्राम दे रखा है क्यूब का, और फिर पूछ रहा है फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट सेंटर ऑफ क्यूब, कि क्यूब के सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा। चार ऑप्शन दे रखे हैं जो कि देता है, तो ये मान लो इसका सेंटर होगा, तो ईच कॉर्नर, यानी कि जितने भी कॉर्नर है उन सब से इस सेंटर की दूरी कितनी होगी, इस सेंटर की डिस्टेंस कितनी होगी, ये बतानी है मेरे को पहले, तो सबसे पहले ये सोचो। तो जो इसका विकर्ण होता है, डायगोनल होता है, वो कितना होता है, √3, ए लेंथ दे रखी है क्यूब की, तो √3 इसका डायगोनल होता है पूरा, जो कि इसकी क्यूब को पास करता है, इस तरह से डायगोनल होता है जो कि क्यूब को पास करता है। इसको फील कर सकते हैं अमन किस तरह से करेगा, एक कोने से लेके दूसरे कोने तक सेंटर तक जा रहा है, एक दीवार के रूम में देख रहे हैं तो दीवार के एक कोने से दूसरी दीवार के निचले कोने तक आ रहा है और बीच में सेंटर को क्रॉस कर रहा है, तो √3, तो अपने को तो आधी चाहिए, तो ये कितना डिस्टेंस हो गया यहाँ पे, आर इक्वल टू क्या हो गया, ईच कॉर्नर से कितना डिस्टेंस पे है सेंटर, √3/2, इतना अपने को डिस्टेंस मिल गया। लेकिन अब यहाँ पे देख रहे हैं कि इसने जो पता है क्या कि इसने यहाँ पे इस चार्ज को माइनस क्यू कर दिया, इस चार्ज को देख रहे हैं इस कॉर्नर पे, इस चार्ज को इसने माइनस क्यू कर दिया, ये नहीं करता तो जीरो हो जाता, क्योंकि यहाँ पे सिमेट्री है और सिमेट्री में चार्ज सेम होता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे माइनस करने से जीरो नहीं होगा, लेकिन माइनस की वजह से यहाँ पे सेंटर पे क्या आ रहा है, कुछ चेंज होगा। देखो इसमें बाकी तो सभी 6 के 6 बच रहे हैं ना, यानी कि यहाँ पे प्लस होता तो ये सब कैंसिल आउट करके जीरो हो जाते, लेकिन यहाँ पे जो 6 बच रहे हैं वो तो एक दूसरे को कैंसिल आउट कर लेंगे, 6 तो एक दूसरे कैंसिल आउट ही कर लेंगे, फिर बचेगा एक तो ये वाला अट्रैक्ट करेगा, ये वाला इधर होगा इसका इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ इस पॉइंट पे, फिर बचेगा ये वाला, इसका कुछ इधर होगा, रिपल करेगा ये भी, दोनों के डिस्टेंस सेम है, तो ई नेट कितना हो जाएगा, 2E, ई नेट 2E हो जाएगा, दोनों के डायरेक्शन सेम, डिस्टेंस भी सेम है, तो इसका मैग्नीट्यूड भी सेम होगा, तो ये 2E क्यों आ रहा है, बाकी 6 कहाँ गए। देखो 6 वाले पॉजिटिव हैं जो एक दूसरे को कैंसिल आउट कर लेंगे, लेकिन यहाँ पे ये भी पॉजिटिव होता, ये वाला भी जो कॉर्नर में है ये वाला पॉजिटिव हो जाता तो भी कैंसिल आउट करके जीरो हो जाता, लेकिन अब नेट किसके, 2 की वजह से होगा, क्यों, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट नहीं कर पाएंगे, इनका इलेक्ट्रिक फील्ड सेम डायरेक्शन में होगा, तो इस वजह से ये जुड़ जाएंगे, ऐड हो जाएंगे, तो 2E की वैल्यू कितनी होती है, K³/R², यहाँ पे 1KQ कर लिया, और R² कितना है मेरे को, इससे डिस्टेंस कितनी है हर एक से, √3/2 का होल स्क्वायर किया मैंने, 2 × 4 × K × Q अपन इसका स्क्वायर कर रहे हैं तो क्या आ गया, 3A², तो ये आ गया अपने पास E का मैग्नीट्यूड, लेकिन E एक वेक्टर क्वांटिटी है तो उसमें मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन होगा, और डायरेक्शन के लिए अपन किसका यूज करते हैं, n कैप क्या होता है, n/n का मैग्नीट्यूड, वेक्टर n/n का मैग्नीट्यूड, तो यहाँ पे अपन क्या लिख दें, E की कैप लगा दे, तो वेक्टर e का मैग्नीट्यूड, तो यहाँ पे देखेंगे अपन डायरेक्शन कुछ इस तरह से होगी, i+j+k, ये तो मैंने कुछ लिया, अपॉन इनका मैग्नीट्यूड कितना होता है यूनिट वेक्टर्स का, स्पेस में है तो अपन आई जे और के की बात कर रहे हैं, और यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होगा, 1, 1, 1, तो ये कितना आ गया इनका मैग्नीट्यूड, √3, लेकिन ये होगा माइनस में, जो कि सबसे बढ़िया बात थी यहाँ पे कि माइनस वाला,
लेकिन यहाँ पे उसने पता नहीं उसने कौन सा नजा कर रखा था, इतना बढ़िया क्वेश्चन था। इसमें माइनस और एक यहाँ पे प्लस देके क्वेश्चन को और भी बढ़िया किया जा सकता था, लेकिन यहाँ पे आप माइनस न भी सोचोगे तो भी आपका आंसर आ जाएगा। माइनस का मतलब यहाँ पे इस तरह से आ रहा है कि अपन इस पॉइंट को ओरिजन माने, इस सेंटर को ओरिजन माने अपन इसके, तो जो इसका ओरिजन से कुछ नेगेटिव डायरेक्शन में आ रहा है इसलिए ये नेगेटिव ले रहे हैं अपन, क्योंकि ओरिजिन से पॉजिटिव डायरेक्शन में आता तो अपन सभी वेक्टर पॉजिटिव ले लेते, लेकिन यहाँ पे नेगेटिव आ रहा है, तो इस वजह से यहाँ पे नेगेटिव का सिंबल ऐड किया है, जो कि क्वेश्चन के ऑप्शंस के हिसाब से और बढ़िया हो सकता था। तो यहाँ पे ये वाली वैल्यू पुट कर दो, क्या आई प्लस जे प्लस के अपॉन रूट थ्री, और यहाँ पे क्या करेंगे माइनस का चिन्ह ये ऐड कर देंगे। माइनस आया कहाँ से, अब के की वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट यहाँ पे पुट करेंगे तो अपने पास फर्स्ट आंसर निकल के आ जाएगा। ठीक बात है। क्वेश्चन नंबर 3, इन ए ट्रांजिस्टर ऑफ इंक्रीज इन एमिटर करंट इज 4 मिली एम्पियर एंड क्रोस्पॉन्डिंग इंक्रीज इज कलेक्टर करंट इन 3.5 मिली एम्पियर, फाइंड बीटा की वैल्यू। पूछ रहा है यहाँ से, इतना इतना दे रखा है सब, तो बीटा क्या, सिंपल सा फॉर्मूला है। तो बीटा इक्वल टू क्या होता है, अल्फा अपॉन 1 माइनस अल्फा। अल्फा पता चल जाए तो काम हो जाए, और अल्फा क्या होता है, तो अल्फा की वैल्यू क्या होती है यहाँ से, कितना कलेक्टर अपॉन एमिटर, बस यही तो होता है, सॉरी ई आएगा यहाँ पे। तो कलेक्टर ये दे रखा है, आई करंट कितना दे रखा है कलेक्टर में, दे रखा है 3.5। 3.5 को 7/2 कर दो, और एमीटर में कितना दे रखा है अपने पास में, 4 मिली एम्पेयर, तो ये 4 हो गया, मिली एम्पेयर से मिली एम्पेयर कैंसिल आउट हो जाएगा जो कि मात्रा गेन होता है, तो ये कितना हो गया 7/8, अल्फा की वैल्यू ये निकल के आ गई। तो बीटा क्या कर देंगे अपन यहाँ पे, 7/8, 1 माइनस 7/8, तो कितना बच जाएगा, चलो 7/8, ये बच्चों वाले काम करवा रहे हैं ना, 8 यहाँ पे, तो 1/8 बच जाएगा, 8 से 8 कैंसिल हो गया, कितना 7/1, तो कितना आ जाएगा 7, है कोई ऑप्शन, थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो गया। देखो कैसे कैसे क्वेश्चन दे रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 4, इफ उमे ये क्या है, W1/W2 विड्थ दे रखी है ना, चौड़ाई 1/3 रेशो दे दिया इनका, एंड इट्स गिवेन दैट एम्पलीट्यूड इज प्रोपोर्शनल टू W, फाइंड आई मैक्स अपॉन आई मिनिमम। ये लो, इसने तो साफ साफ खुद ने ही बता दिया कि जो विड्थ है वो किसके डायरेक्टली एम्पलीट्यूड के प्रोपोर्शनल है, तो जब उमे W1/W2 का रेशियो आ रहा है वही A1/A2 का रेशियो आएगा, और वो भी कितना हो जाएगा 1/3। क्वेश्चन में कुछ करना ही नहीं था। देखो फिर पूछ रहा है आई मैक्स अपॉन आई मिनिमम, तो आई मैक्स अपॉन आई मिनिमम ये रेशियो अपने को कैलकुलेट करना है। तो आई मैक्स क्या होता है, A1 + A2 का होल स्क्वायर, और आई मिनिमम क्या होता है, A1 - A2 का होल स्क्वायर। इसको सोल्व करने पे कितना आ जाएगा, A1 को 1 माने, इसको 3 मानेंगे तो ऐसे A1 + A2, देखो A1 को अपॉन X मान ले तो A2 कितना हो जाएगा 3X, या फिर A1 को अपॉन 3X मान ले तो A2 कितना हो जाएगा, कितना 12X, ये सॉरी 9X, इससे 3 गुना ज़्यादा है ना, तो अपन कुछ भी मान सकते हैं एक्स और 3X, जिससे अपना आंसर इजिली आ जाए, अपनी मर्जी कुछ भी करेंगे, फटाफट आंसर निकालना अपने को। तो A1 की वैल्यू कितनी है X माने, और A2 की 3X, तो ये कितना हो गया 4X का स्क्वायर, अपन इसको करेंगे तो जो ज़्यादा हो तो उसमें माइनस करते हैं, यानी कि ये कितना हो गया 2X स्क्वायर। ये जरूरी नहीं कि A1 यहाँ पे X माना तो माइनस में 2 बचेगा, नहीं, जो ज़्यादा होता है उसमें से माइनस कर देते हैं, तो ये कितना हो गया 16X स्क्वायर अपॉन 4X स्क्वायर, X स्क्वायर कैंसिल, ये 1 4, तो रेशो कितना आ गया 4:1। इसमें देख रहे हैं तो कौन सा थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो गया। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन 5 में क्या बता रहा है कि इफ ए स्मॉल बॉल ऑफ मास एम, के एक छोटे बॉल एम, मास एम का एक ब्लॉक दे रखा है, एम इज प्लेस्ड जेंटली ऑफ ए एम, कैपिटल एम मास पे रख दिया जाता है, वही जब वो पास कर रहा है, इट इज मीन पोजिशन, फाइंड इट्स न्यू एम्पलीट्यूड ऑफ एस एच एम इनिशियली। आया कुछ समझ में, नहीं आ रहा, आ जाएगा। देखो इसमें ये जो मीन पोजिशन बोल रहा है ना, ये वाली बात यहाँ पे नोट डाउन कर लेने बात है, नोट डाउन क्या करेंगे, मतलब ये कमांड हो गई क्वेश्चन की, दुखती नसी हो गई जो पकड़नी है अपने। बाकी ये क्या कह रहा है कि पहले ये एम नहीं था, ये जो एम है ये बाद में आया है, पहले ये एस एच एम कर रहे थे, अपनी ज़िंदगी आराम से चला रहे थे कैपिटल एम के साथ, लेकिन बाद में जब ये जैसे मीन पोजिशन पे आ रहा है तो उस पर एक स्मॉल एम का मास हल्के से रख दिया जाता है, तो इसका कुछ एम्पलीट्यूड भी चेंज हुआ होगा एस एच एम का, तो उस एम्पलीट्यूड की वैल्यू अपने को बतानी है। मैं मान रहा हूँ कि वो एम्पलीट्यूड ए डैश है, उसकी वैल्यू मेरे को बतानी है। सबसे पहले जब इस पे, यानी कि इनिशियली जब इस पे वो एम मास नहीं रखा गया था स्मॉल एम, तो क्या था, इसके पास जो काइनेटिक एनर्जी थी कितनी, 1/2 mv², इसकी वेलोसिटी थी, इक्वल टू किस में चेंज हो रही थी वो, उसकी किसकी, स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी में। मान लो पहले एम्पलीट्यूड ए था,
इनिशियली ये थी क्या वेलोसिटी, तो यहाँ से मेरे को एक रिलेशन मिलता है हाफ से, हाफ कैंसिल, तो वी इक्वल टू क्या मिल रहा है, ए रूट के बाई एम, ये मिल रहा है ए रूट के बाई एम। और ये बात आप जनरली भी सोच सकते थे कैसे, कि जब ये मीन पोजीशन पे होगा तो इसकी वेलोसिटी मैक्सिमम होगी, यानी कि वी मैक्स होगा, और वी मैक्स की वैल्यू कितनी होती है, ए ओमेगा, और ओमेगा क्या होता है, ये तो होता है एम ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू के, तो यहाँ से के की वैल्यू, ओमेगा की वैल्यू क्या आ रही है कि रूट के बाई एम, स्क्वायर करेंगे दोनों रूट ले लेंगे तो रूट के बाई एम, वही तो यहाँ पे पुट कर रहा हूँ। देखो इतना भी काम हो जाता, इतनी आसानी से भी अपना काम हो सकता था, ये समझाने के लिए था। लेकिन फिर दूसरे केस में क्या कर रहे हैं कि यहाँ पे अपने पास मोमेंटम कंजर्व करो पहले, किसके पास इनिशियली क्या थी, एम, एम मास का था, वी वेलोसिटी थी, बाद में क्या हो गया, स्मॉल एम प्लस कैपिटल एम दोनों ऐड हो गए और वी डैश इसकी वेलोसिटी हो गई। तो यहाँ से वी डैश की वैल्यू कितनी निकल के आ रही है मेरे पास में, कैपिटल एम वी अपॉन कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम, ये निकल के आ रही है वी डैश की वैल्यू। लेकिन अपने को तो निकालना क्या है, एम्पलीट्यूड निकालना ना, तो एम्पलीट्यूड के लिए फिर वो लगा दो कि जब मीन पोजीशन पे बात कर रहे हैं ना, एम्पलीट्यूड ऑफ जब मीन पोजीशन पे होगा कुछ वो, तो उसका भी उस टाइम पे वी डैश मैक्सिमम होगा, वी डैश मैक्सिमम कितना होगा, ए डैश ओमेगा डैश। अब आप ये लगाओगे तो यहाँ पे ना तो आपको फ्रिक्वेंसी पता ना एम्पलीट्यूड पता, तो इसलिए आप इजिली ये वाला ही चीज़ लगा लो। तो देख के लगाया करो कहाँ पे क्या करना है। तो बाद में क्या करना है अपन, हाफ इसके पास कितना मास कितना हो गया इसका, कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम, और इसकी वेलोसिटी होगी वी डैश स्क्वायर इक्वल टू हाफ के, एम्पलीट्यूड कितना हो गया के ए डैश स्क्वायर, ये बाद की इक्वेशन बन गई। तो हाफ से हाफ कैंसिल आउट हो गया, तो यहाँ से मेरे को जो एम्पलीट्यूड का स्क्वायर मिल रहा है वो क्या मिल रहा है, क्या लिख सकता हूँ मैं उसको, कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम अपॉन के इंटू में वी डैश का स्क्वायर, ये मिल रहा है। तो मैं यहाँ से वी डैश की वैल्यू पुट कर दूँ, वी डैश की वैल्यू ये वाली पुट कर देता हूँ मैं इसमें, तो यहाँ पे आ जाओ ए डैश स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम डिवाइडेड बाई के इंटू में वी डैश स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी, यही होगी ना, एम वी अपॉन कैपिटल कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम का स्क्वायर, यहाँ पे कैपिटल एम है। तो यहाँ से देखो क्या आ गया, इधर लिख लेते हैं ना इसको, थोड़ा ये कर दो। तो यहाँ से ए डैश स्क्वायर क्या मिल रहा है मेरे को, एम प्लस एम अपॉन के इंटू में मैं यहाँ से ले लेता हूँ एम अपॉन एम प्लस एम, ये मैंने बाहर ले लिया, इंटू में वी स्क्वायर की वैल्यू यहाँ से पुट कर देता हूँ। तो यहाँ से वी स्क्वायर कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर और के बाई एम, क्योंकि के एम रूट तो रूट में है ना, तो यहाँ से के एम हो गया। तो यहाँ से देखेंगे अपन क्या देखेंगे, सॉरी यहाँ पे ये क्या है, कैपिटल एम है, स्मॉल एम नहीं है भाई, कैपिटल एम है यहाँ पे, ये ध्यान रखना, तो कैपिटल एम। तो इससे ये कैंसिल आउट हो गया, एक एक बचेगा ना, और इससे ये कैंसिल आउट, यानी कि इन दोनों का स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया, एम प्लस एम बच गया, के से के कैंसिल हो गया। तो यहाँ से एम्पलीट्यूड का स्क्वायर क्या मिल रहा है मेरे को, एम अपॉन एम प्लस एम इंटू में ए स्क्वायर। तो यहाँ से एम्पलीट्यूड के लिए रूट ले लो, रूट ले लेंगे तो ए बाहर आ जाएगा रूट में, और ये एम अपॉन एम प्लस एम ऑप्शन अपना मैच कर लो, कौन सा हो गया, कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो रहा है इसमें, चलो ऑप्शन ही नहीं मिलाने आ रहे हैं, फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा मेरे हिसाब से। क्वेश्चन नंबर 6, फॉर गिवन वेलोसिटी टाइम ग्राफ विच ऑफ द फॉलोइंग इज एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ, ये लो क्या हलवा से सवाल दे दिया, ये तो कुछ नहीं है ना, वीटी ग्राफ दे रखा और एटी ग्राफ पूछ रहा है इसका। तो देखो यहाँ से वी टी इनिशियली बात करें अपन, इसके लिए देखिए तो टेन थीटा क्या हो रहा है, कॉन्स्टेंट, जो वी टी ग्राफ का जो टेन थीटा होता है, वी टी ग्राफ का टेन थीटा होता है, वो क्या बताता है, एक्सेलरेशन। तो यहाँ से क्या है, एक्सेलरेशन कॉन्स्टेंट, यहाँ भी एक्सेलरेशन कॉन्स्टेंट, लेकिन यहाँ पे देखेंगे तो इस केस में, पहले वाले केस में टेन थीटा नेगेटिव है तो एक्सेलरेशन नेगेटिव हो गया, सेकेंड केस में टेन थीटा क्या है, पॉजिटिव है, क्यों, टेन थीटा यहाँ से तो नापते हैं, पॉजिटिव आ रहे हैं, टेन 45 से कम 90 से कम है, यहाँ पे देख रहे हैं तो 90 से ज़्यादा है, तो ये नेगेटिव ये पॉजिटिव हो गया। तो इस केस में क्या होगा, एक्सेलरेशन दोनों केसेस में कॉन्स्टेंट है, लेकिन पहले क्या है नेगेटिव, फिर बाद में क्या है पॉजिटिव, तो देख लो नेगेटिव कौन से केस में, इस केस में थर्ड वाला करेक्ट हो गया, पहले नेगेटिव है बाद में पॉजिटिव है, ठीक बात है, लेकिन आप को तो कुछ समझ आया नहीं होगा। तो ऐसे देखते हैं, पहले ग्राफ बन रहा है तो इसकी कंपेयर करें वाई इक्वल टू किससे, एम एक्स प्लस सी से, स्ट्रेट लाइन का ग्राफ ऐसा ही होता है, तो वाई की जगह वी ले ली मैंने, एम क्या होगा माइनस में, एक्स की जगह टी है और सी कॉन्स्टेंट है। अब इसको मैं क्या कर दूँ, डिफ्रेंशिएट कर दूँ टी के रेस्पेक्ट में, तो ये क्या मिल जाएगा मेरे को, डी वी बाई डी टी इक्वल टू क्या होता है, ए एक्सेलरेशन, इसका करेंगे तो टाइम के रेस्पेक्ट में ये माइनस एम,
और सी का कितना हो जाएगा, जीरो, यानी कि माइनस में एम। एक्सेलरेशन पहले क्या मिल रहा है, माइनस में एम, माइनस में एम, यानी कि एम को क्या लिख सकते हैं, टेन थीटा। पहले केस में देख रहे हैं टेन थीटा कांस्टेंट आ रहा है ना, यहाँ से लेके यहाँ तक टेन थीटा कांस्टेंट, वो माइनस में, टेन थीटा कांस्टेंट वो माइनस में, इसी में मिल रहा है। बाकी इसमें क्या है, पॉजिटिव आ रहा है टेन थीटा, गलत बात होगी। इसमें तो कुछ इंक्रीज है ही नहीं टेन थीटा का, मतलब ये दोनों गलत है। थर्ड ऑप्शन यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। दोबारा करेंगे डिफ्रेंशिएट इस वाले ग्राफ का बना के करेंगे, तो यहाँ पे प्लस एम आ जाएगा, तो पॉजिटिव में टेन थीटा हो जाएगा, पॉजिटिव में टेन थीटा कौन सा, इसी ग्राफ में, थर्ड में। तो इसमें देखो कुछ करना नहीं था, पेन भी नहीं चलाना था आपको। देखते क्वेश्चन नंबर 7। तो इसमें क्या कह रहा है कि जो इनका सेंटर ऑफ मास होगा कुछ यहाँ पे होगा, सेंटर ऑफ मास बताएंगे कैसे होगा। तो ये एम वाला है ना, ये शादी में ना डांस कर रहा है यहाँ पे, कि मैं तो जा रहा हूँ, ये इस तरह से इसके चारों ओर रोटेट कर रहा है, इसके सेंटर, इन दोनों का जो सेंटर ऑफ मास है ना, उसके चारों ओर ये रोटेट कर रहा है बस। तो उसका टाइम पीरियड पूछ रहा है कितना होगा, बस कुछ करना नहीं अपने को। देखो कैसे, तो इनका जो सेंटर ऑफ मास होगा वो एम वाले से कितना डिस्टेंस पे हो जाएगा, 2d/3, और 2m वाले से कितना डिस्टेंस पे हो जाएगा, d/3। ये कैसे कर रहे हैं, अब ऐसे कर रहे हैं, देखो इन दोनों का आप निकालते रहो एक्ससीएम लगा के। ये कैसे कर रहे हैं, ये इस तरह से कर रहे हैं कि जो मास होता है वो डिस्टेंस के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, तो जिसका मास ज्यादा है उससे सेंटर ऑफ मास कम दूरी पे होगा। तो देख लो 2:1 का रेशियो आएगा इन दोनों में आएगा, तो इनमें भी 2:1 का रेशियो आ रहा है, तो इस तरह से ये निकाल दे। बाकी आप तो निकालते रहो एक्स सेंटर ऑफ मास, क्योंकि वहां पर सेंटर ऑफ मास निकालने के लिए दिया नहीं था ये क्वेश्चन। अब चूंकि ये रोटेट कर रहा है, तो यहाँ पे रोटेट किस वजह से कर रहा है, इन दोनों के बीच में एक तो फोर्स लग रहा होगा, वही न्यूटन का ग्रेविटेशनल लॉ लगा दो यहाँ पे, क्या जी, इसका मास 2m मान लिया और इसका मास m है, अपॉन बीच का डिस्टेंस कितना, d2। यहाँ पे जो ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है वो इसको क्या, सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रहा होगा। यहाँ पे इसको घूमने के लिए एक फोर्स चाहिए, तो वो कौन सा फोर्स देगा यहाँ पे, ग्रेविटेशनल फोर्स। तो उसकी वैल्यू कितनी होती है, m ओमेगा स्क्वायर, और r, r क्या होती है, डिस्टेंस यानी कि रेडियस, किस कितनी रेडियस में ये कवर कर रहा है, यानी कि कुछ इस तरह से ही तो रोटेट कर रहा होगा, इस सेंटर ऑफ मास के चारों ओर रोटेट कर रहा है, तो इसी से तो रोटेट कर रहा होगा। ये दूरी कितनी है, 2d/3, बस सोचने का कुछ नहीं है यहाँ पे। तो एक एम से एक एम कैंसिल हो गया, तो क्या मिल रहा है मेरे को, देखो यहाँ से जी अपोन, क्या निकालना, क्या है यहाँ पे, ओमेगा निकाल लो चलो पहले यहाँ से। तो ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, जी इंटू 6m अपोन 2d³, 2 से ये 3 हो गया यहाँ पे, चलो यहाँ से 2 को मिटा दो, 3 हो गया, तो ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू ये आ गई। तो यहाँ से ओमेगा की वैल्यू क्या मिल रही है मेरे को, 3gm/d³। एक बढ़िया चीज़ क्या, ओमेगा इक्वल टू क्या होता है, 2π/t, तो t इक्वल टू क्या हो गया, 2π/ओमेगा, यानी कि यहाँ से इसको मैं 2π से डिवाइड कर दूँ, तो मेरे पास t की वैल्यू क्या मिल जाएगी, 2π√ क्या, d³/3gm। एम तो वही है ना, स्मॉल एम कैपिटल एम जो मर्जी लिख लो। तो इसमें कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, फर्स्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 8, फाइंड रिलेशन बिटवीन मॉड्यूलस इफ वाई क्या हो गया, यंग्स मॉड्यूलस, बल्क मॉड्यूलस और ये रेजिस्टिविटी मॉड्यूलस नीटा दे रखा है, फिर क्या करना है, बस यहाँ पे याद करना था, ये तो याद करने वाला 70 जगह लिखा हुआ था ये हर बुक में। तो इसमें फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो रहा है। यहाँ पे सर्किट दिया हुआ है, सर्किट में पूछ रहा है Vx-Vy की वैल्यू पूछ रहा है अपने से, बस Vx से चलते हैं अपन। तो वी एक्स एक्स जा रहे हैं, तो ये हो गया प्लस में 4 इस बैटरी के कारण, फिर इसमें कुछ करंट आ रहा होगा, उस करंट की डायरेक्शन किधर फ्लो कर रहा होगा, करंट देखो ये वाली बैटरी इधर फ्लो कराना चाहती है, ये वाली बैटरी इधर फ्लो कराना चाहती है, जो बड़ी बैटरी है फ्लो तो उसी की डायरेक्शन में होगा ना, यानी कि फ्लो की डायरेक्शन कुछ ऐसे होगी, तो यानी कि ये भी प्लस में आएगा, कितना 8i इक्वल टू वी वाई। तो वी एक्स माइनस वी वाई इक्वल माइनस में 4 + 8i, तो i की वैल्यू निकल जाए तो काम हो जाए, और i क्या होता है, डेल्टा v अपॉन r इक्विलेंट। अब डेल्टा v कितना है, यहाँ पे डिफरेंस देखेंगे तो 6 - 4 अपॉन r इक्विलेंट कितना है, यहाँ पे 2 और 8 10, तो कितना आ रहा है, 2/10। तो यहाँ से वी एक्स माइनस वी वाई जो कि कैलकुलेट करना था, माइनस में 4 × 8 को क्या लिख सकते हैं, इसको 8 × ये कितना हो गया, 0.2, यहाँ पे प्लस का सिंबल है, सॉरी ये कितना आ गया, माइनस में 4 + कितना 1.6, तो यानी कि माइनस में 5.6 वोल्ट, इतना डिफरेंस आएगा दोनों के बीच में। कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो गया अपना, फर्स्ट ऑप्शन, माइनस और यहाँ पे प्लस,
यानी कि बढ़िया क्वेश्चन कब हो सकता है जब प्लस और माइनस दोनों दिए होते उसने। अब चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 10। इफ वर्क दे रखो हो, क्या दे दिया, अल्फा डॉट बीटा स्क्वायर, ये ई की पावर माइनस एक्स स्क्वायर अल्फा के टी, काफी लंबा चौड़ा लिख दिया ना, कुछ करना नहीं इसमें। देखो वेयर के वोल्टमान कॉन्स्टेंट दे रखा है, टी टेम्परेचर, फाइंड फाइनल डायमेंशन ऑफ, फाइंड डायमेंशन ऑफ बीटा, बीटा की डायमेंशन पता करना है। तो यहाँ पे देखो जो ई के टर्म में लिखा है वो सब तो क्या होंगे, डायमेंशन लेस, तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ यहाँ पे जो क्या लिखा हुआ है कि माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन अल्फा डॉट के टी इक्वल टू, ये क्या होंगे, डायमेंशन लेस, इस तरह लिख दिया मैंने, इतनी इंग्लिश आती है मुझे। तो यहाँ से क्या लिख सकता हूँ मैं, देखो जो एक्स स्क्वायर होगा वो अल्फा के टी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, और अल्फा होगा वो एक्स स्क्वायर अपॉन के टी होगा, ये देखना है ना, घुमा फिरा कि अल्फा चाहिए अपने को, तो अल्फा निकाल रहे हैं। तो एक्स स्क्वायर क्या दे रखा है अपने को, एक्स क्या होता है लेंथ, लेंथ यानी कि एल स्क्वायर हो गया, वोल्ट्जमान कॉन्स्टेंट, इसकी डायमेंशन क्या होती है, अब याद नहीं आ रहा वोल्ट्जमान कॉन्स्टेंट कैसे निकालते हैं, तो वही चलो काइनेटिक थ्योरी में चलते हैं, केटीजी में, केटीजी में चलते हैं, हाफ एम वी स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, हाफ एम वी स्क्वायर इक्वल टू के टी, हाफ एम वी स्क्वायर इक्वल टू के टी, मोलिक्यूल के लिए इतना ही तो आता है फॉर्मूला, यहाँ पे यही तो होता है बोल्ट्जमैन कॉन्स्टेंट। तो यहाँ से एम वी स्क्वायर लिख सकते हैं के टी की जगह, एम की वैल्यू क्योंकि हाफ की तो कोई वीमा नहीं होगी ना, डायमेंशन लेस होता है ये, तो एम का कितना होता है, एम वी स्क्वायर कितना होता है, एल टी माइनस वन का होल स्क्वायर कर दो, तो यहाँ से कितना आ गया, एल स्क्वायर अपॉन एम इंटू में एल स्क्वायर टी की पावर माइनस टू, तो ये एल स्क्वायर से एल स्क्वायर कैंसिल हो गया, यानी कि एम माइनस वन टी टू, ये आ गई अल्फा की वीमा। अब कह रहा है कि ये सब तो इसको हटा दो, भूल जाओ इसको, क्योंकि ये तो डायमेंशन लेस है ना, अपने को जितना काम था उसके बाद फेंक दो चीज़ों को, है ना। इफ वर्क दे रखा है, वर्क यानी कि कार्य, कार्य की वीमा कितनी होती है, एम एल टू टी माइनस टू, किसके इक्वल होगा ये, अल्फा, अल्फा की वीमा एम माइनस वन टी स्क्वायर इंटू बीटा स्क्वायर, इसी के इक्वल होगी, तो यहाँ से टी टू क्या हो जाएगा, इधर लेके आएंगे तो बीटा स्क्वायर इक्वल टू क्या मिल रहा है मेरे को, ये अपॉन में आएंगे उधर प्लस में जाएंगे, यानी कि कितना हो गया, एम स्क्वायर एल स्क्वायर और टी माइनस फोर, ये तो हो रहा है बीटा स्क्वायर, तो बीटा लेंगे तो इन दोनों का रूट ले लेंगे, तो क्या हो जाएगा, एम एल टी माइनस टू, एम एल टी माइनस टू। क्वेश्चन नंबर 11, कि जीना डायोड इज कनेक्टेड इन ए सर्किट एस ओ, फाइंड द करंट इन 2 किलो एम्पेयर, 2 किलो ओम जिस सर्किट दिया गया इसमें दिखाने की जरूरत है ना, तो उसमें पूछ रहा है कि 2 किलो ओम के रेजिस्टेंस से कितना करंट जा रहा होगा वो बताना है। तो देखो बिल्कुल हलवा सा सवाल है ये एकदम, यहाँ पे 5 वोल्ट तो यहाँ पे भी 5 वोल्ट होगा, करंट का सेम होगा, तो यहाँ पे 5 यानी कि अपने को क्या मिल गया, V इक्वल टू क्या होता है, आई आर, और I मिल गया तो क्या हो गया, V बाई आर, और V की वैल्यू कितनी दे रखी है अपने पास, V की वैल्यू होगी कितनी, 5 पता चल गया, और ये कितना है, 2 इंटू 10 टू दी पावर 3, तो यानी कि ये कितना आ गया, 2.5 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 3 एम्पेयर, इसमें करंट आ गया, तो इसमें कौन सा ऑप्शन, यानी कि 2.5 मिली एम्पेयर, फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो गया अपना। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 है, गिवन ए बी इज आइसोथर्मल, ए बी को आइसोथर्मल दिया गया है, बी सी को आइसोबारिक दिया गया है, और ए सी को आइसोकोरिक दिया गया है, तो टोटल वर्क पूछ रहा है इसमें कितना होगा, देखो कितना बढ़िया सवाल दे रखा है ना। तो इसमें देखिए अपन डब्ल्यू सी ए तो कितना हो जाएगा, सबसे पहले सब डब्ल्यू सी ए तो जीरो हो जाएगा, क्यों, क्योंकि आइसोकोरिक यानी कि वॉल्यूम कॉन्स्टेंट हो गया। अब बात कर लेते हैं डब्ल्यू बी सी के लिए, डब्ल्यू बी सी, डब्ल्यू बी सी कितना हो जाएगा, पी डेल्टा वी, अब पी तो यहाँ पे पी कॉन्स्टेंट है कितना, पी वन, और डेल्टा वी कितना हो रहा है, बी सी यानी कि फाइनल कितना, वी वन, और इनिशियल कितना, टू वी वन, तो यानी कि ये कितना आ रहा है, माइनस पी वन वी वन, इसकी वैल्यू ये आ गई बी सी की वैल्यू। अब बात कर लेते हैं किसकी, डब्ल्यू ए बी की वैल्यू निकाल लेते हैं, डब्ल्यू ए बी क्या होगा, एन आर टी एल एन कितना, वी टू की वैल्यू कितनी, टू वी वन अपॉन वी वन की वैल्यू वी वन, तो यानी कितना आ गया, एन आर टी एल एन टू, ये आ गई डब्ल्यू ए बी की वैल्यू। तो ऐसे एन आर टी और एल एन टू, अब एन आर टी क्या लिख सकते हैं अपन यहाँ से, टू पी वन वी वन कर सकते हैं, एल एन टू ये क्यों कर रहे हैं, टू पी वन वी वन, इस पॉइंट के लिए बात कर रहे हैं, पॉइंट बी के लिए बात कर रहे हैं अपन, तो पॉइंट बी के लिए क्या होगा, पी वन इंटू टू वी वन, और पी वन वी वन किसके, एन आर टी के इक्वल दे रखा है अपने को, एन आर टी की जगह पी वन वी वन, और ये आ गया टू, किसकी वजह से, वॉल्यूम की वजह से, टू पी वन वी वन एल एन टू हो गया, माइनस में क्या करना है अपने को, पी वन वी वन, तो वही कर दो फिर यहाँ से, यानी कि 2 पी वन वी वन बाहर ले लो अपन, तो पी वन वी वन को क्या लिख सकते हैं, यहाँ से क्या बच गया अपने पास, एल एन टू माइनस वन बाई टू, और पी वन वी वन किसके इक्वल दे रखा है, एन आर टी के, तो 2 एन आर टी एल एन
टू माइनस वन बाई टू। यहाँ पे समझने वाली बात ये थी कि एन आर टी की जगह टू पी वन वी वन आएगा इस केस में। यहाँ पे आइसो थर्मल प्रोसेस है तो इसमें टेम्परेचर तो कॉन्स्टेंट ही लेंगे ना, इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे, सब पॉइंट पे टेम्परेचर कॉन्स्टेंट होगा, लेकिन वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है तो इस वजह से टू पी वन वी वन हो गया। तो ये क्वेश्चन था अपना। इस क्वेश्चन में कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है? क्वेश्चन नंबर सेकेंड, ऑप्शन सेकेंड। क्वेश्चन 13, ए साइड ऑफ ए क्यूब ए मेड फ्रॉम सिक्स आइडेंटिकल सीट, इफ कोफिशियंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन इज एल्फा एंड टेम्परेचर इज नाउ मेड टी प्लस डेल्टा टी फ्रॉम टेम्परेचर टी, देन फाइंड चेंज इन वॉल्यूम। तो चेंज इन वॉल्यूम निकालना है और ये सब उसका डाटा दे रखा है। तो चेंज इन वॉल्यूम कैसे निकालेंगे? तो यहाँ से डेल्टा वी बाई वी करना है अपने को। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, उसका कोफिशियंट ले लेंगे और डेल्टा टी चेंज इन टेम्परेचर के इक्वल हो जाएगा यहाँ से। तो यहाँ से गामा को क्या लिख देते हैं, 3 अल्फा लीनियर में होगा, तो यही तो होता है 2 गामा इक्वल टू अल्फा। तो यानी कि 6 लेंगे तो यहाँ से कितना हो गया, 3 अल्फा लिख देंगे। इसके जगह अपन 3 अल्फा की वैल्यू ये पुट कर दो अपन, तो डेल्टा वी इक्वल टू क्या आ गया, वी इंटू 3 अल्फा इंटू डेल्टा टी। तो यहाँ से वी और 3 अल्फा की वैल्यू क्या ले लेंगे अपन, 3 अल्फा क्या हो जाएगा यहाँ से, सॉरी 3 अल्फा तो 3 अल्फा ही रहना है, लेकिन जो वॉल्यूम होगा वो कितना हो जाएगा, क्यूब का क्यूब बन रही है तो ए क्यूब, यानी कि 3 a³ और अल्फा डेल्टा टी, 3 a³ अल्फा डेल्टा टी। कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है यहाँ से, डेल्टा वी चेंज इन वॉल्यूम, डेल्टा वी फर्स्ट ऑप्शन मैच कर रहा है अपना। क्वेश्चन 14, इफ इंटेंसिटी आफ्टर पासिंग थ्रू ए पोलराइड इन हेडलाइट में दे रखा है ल्यूमन, नाउ इज द सेम पोलराइड रोटेट बाई 30 डिग्री अबाउट इट्स एक्सिस, फाइंड न्यू इंटेंसिटी आफ्टर पासिंग थ्रू। क्या हो गया इसमें, कोई पेन चलाने वाली बात है, सो का सो ही रहना है वो तो, क्यों 3 डिग्री पे इस तरह से मूव करवा रहे हैं एक्सिस के अबाउट, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यानी कि पी वन इक्वल टू आई पी टू, इंटेंसिटी पी वन की पी टू के इक्वल होगी, 30 डिग्री पे कोई एक्सिस पे फर्क नहीं पड़ेगा इसके। 4 पार्टिकल ईच ऑफ मास 1 kg, 4 पार्टिकल है जिसका मास 1 kg दे रखा है, एक का इक्विटाइजेशन फ्रॉम ईच अदर मूव अलोंग ए सर्किल ऑफ रेडियस दे रखा है, एल रेडियस दे रखा है, एम अंडर द एक्शन ऑफ द म्यूचुअल ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन द स्पीड ऑफ ईच पार्टिकल। देखो क्या कह रहा है, क्या कह रहा है कि चारों इस तरह से रखे हुए हैं एक दूसरे पे, 1, 2, 3 और 4, और ये चारों क्या कर रहे हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स के इफेक्ट में, इस तरह से यहाँ पे ले लो इसको, थोड़ा गोल सही लगेगा, ये क्या कर रहे हैं, मोशन कर रहे हैं अपने आप, क्या करेंगे यहाँ पे, यानी कि यहाँ पे सिंपल सी बात होगी, जो ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा होगा जी, यानी कि यहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा होगा वो इनको क्या दे रहा होगा, सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करवा रहा होगा इनका, तभी ये मोशन कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं। तो वही पूछ रहा है, स्पीड पूछ रहा है ईच पार्टिकल की। तो यहाँ से देखो इसका मास एम, ये भी एम, ये भी एम और ये भी एम, ईच डिस्टेंस कितनी दे रखी है इसकी, एल और एल, रेडियस एल दे रखी है यहाँ से इसी सेंटर के अबाउट, तो ये कितना हो गया 2L, ये कितना हो गया 2L और ये भी 2L हो गया, ये 1 kg 1 kg दे रखा है। अब देख ले अपन किसी भी एक पे नेट फोर्स कंसिडर कर लें, नेट ग्रेविटेशनल फोर्स कंसिडर कर लें, तो ये देखो इस पे कुछ इस तरह से, एक तो ये वाला फोर्स लगा रहा होगा, एक कुछ इस तरह से ये वाला फोर्स अप्लाई कर रहा होगा, और एक ये इस तरह से ये अप्लाई कर रहा होगा। यहाँ से देखेंगे ये वाला एंगल कितना बन रहा है, 90 डिग्री, तो ये वाला एंगल कितना हो गया, दोनों एंगल होने चाहिए, ये वाला 90 बन रहा है तो ये दोनों एंगल भी 90 होने चाहिए, ट्राइंगल के लिए, ट्राइंगल के लिए यहाँ से अपन टेंजेंट डालेंगे उसके लिए, तो ये 45 आता है, ये भी 45 मिलता है अपने को, ये वाला 45 मिलेगा, ये 90 मिल रहा है। तो यानी किस तरह से हो गए, ये एम मास का एक पार्टिकल है, इस पर एक F1 फोर्स इधर लग रहा है, एक F2 फोर्स इधर लग रहा है और एक F फोर्स इधर लग रहा है इस पर, और ये एंगल कितना दे रखा है, 45 आ गया, ये वाला एंगल कितना आ गया, 45। तो अब देखो F1 और F2 का तो मैग्नीट्यूड सेम होना चाहिए ना, जी एम एम बाई आर स्क्वायर, यही तो होता है अपना ग्रेविटेशनल फोर्स, तो ग्रेविटेशनल फोर्स जी एम एम बाई आर स्क्वायर, यानी कि इनका मास भी सेम है और रेडियस भी, यानी कि डिस्टेंस भी सेम है, तो ये एफ भी सेम होगा, तो इन दोनों का रिजल्टेंट कुछ इस तरह से आ जाएगा, 2f cos θ/2, यानी कि इन दोनों के बीच में जितना एंगल है उसका बाई टू, जब दो वैक्टर्स का मैग्नीट्यूड सेम होता है तो उनको एडिशन का ये सबसे बढ़िया तरीका है, तो 2f और cos 45 90 का 90 हो गया ना दोनों को मिला के, cos 45 कितना होता है 1/√2, तो यानी कि ये कितना हो गया f√2 + f, ये f1 था, f1√2 f2 कुछ भी कर लो, दोनों का मैग्नीट्यूड तो सेम ही है ना, f1 = f2। अब ये कितनी आ रही है, अपने को ये नहीं पता चल रहा ना ये कितना आ रहा है, ये वाली डिस्टेंस पता करनी है, तो ये देखो ये r, ये भी r, ये 90 का एंगल, तो ये कितना हो गया r√2 r r, और ये कितना हो गया r√2। चलो डायग्राम को साफ कर लेते हैं ना,
तो ये देखो कुछ इस तरह से ये मोशन कर रहे थे चारों सर्किल में। ये रेडियस कितनी थी, एल। एल रेडियस दे रखी है अपने पास में, तो ये भी एल होगी। और इस तरह से ये मैं टेंजेंट बना रहा हूँ यहाँ पे, तो ये कितना हो जाएगा, एल रूट टू। क्यों, क्योंकि ये पाइथागोरस थ्योरम का यूज हो जाएगा 90 डिग्री पे, ये आ गया एल रूट टू। ये एम, ये भी एम, और नेट फोर्सेस पे किधर आ रहा है, एक तो कितना एफ वन रूट टू प्लस एफ, इतना ही तो आ रहा है। एफ की वैल्यू कितनी हो जाएगी, इस सबको मिटा देता हूँ मैं, नेट फोर्स मेरे को ये पता चल गया, तो नेट फोर्स पता चल गया, तो एफ वन की वैल्यू कितनी आ जाएगी, जी एम स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। आर कितना है, एल रूट टू, यानी कि टू एल स्क्वायर। ये एफ, ये एफ वन की वैल्यू आ गई, और एफ की वैल्यू कितनी हो जाएगी, जी एम स्क्वायर अपॉन एल कितना हो गया, टू एल स्क्वायर, यानी कि फोर एल स्क्वायर। ये इसकी वैल्यू आ गई, तो ये वैल्यू यहाँ पे पुट कर देते हैं, क्या मिल जाएगा, जी एम स्क्वायर अपॉन टू एल स्क्वायर, यहाँ पे बच जाएगा रूट टू, क्योंकि रूट टू से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना, एफ वन रूट टू करेंगे ना जोड़ने के लिए इसे, प्लस एफ की वैल्यू कितनी, जी एम स्क्वायर अपॉन फोर एल स्क्वायर इक्वल टू किसके हो जाएगा, ये हाफ एम वी स्क्वायर बाई आर, जो कि सेंट्रीपिटल फोर्स यहाँ पे मिल रहा होगा उसके इक्वल हो जाएगा ये। यहाँ से, तो यहाँ से निकाले तो एक एम से तो एम कैंसिल आउट हो जाएगा, और ये एल, एल अबाउट एल ही तो दे रखा है यहाँ पे अपने को, तो मैं यहाँ से जी एम कॉमन ले लूँ, जी एम बाई एल स्क्वायर कॉमन ले लिया मैंने, एल स्क्वायर रूट टू भी ले लिया कॉमन, चलो। तो यहाँ से कितना बचेगा, वन, यहाँ तो वन ही बचेगा प्लस, अब यहाँ पे कितना बच जाएगा, यहाँ पे जी एम बाई, इसको क्या लिख सकता हूँ मैं, फोर को क्या लिख सकता हूँ, टू रूट टू इंटू रूट टू ये लिख सकता हूँ, तो मैंने रूट टू ले लिया, तो यहाँ पे कितना बच जाएगा, वन बाई टू रूट टू, यहाँ पे शेष बच गया इक्वल टू वी स्क्वायर बाई एल, तो एल से ये वाला एल कैंसिल आउट हो गया, जी एम अपोन ये कितना, एल रूट टू, और यहाँ पे ये कितना बच गया, टू रूट टू प्लस वन अपोन टू रूट टू, इधर बच गया, तो टू रूट टू से ये अपन एलसीएम से इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो ये कितना हो जाएगा, फोर, तो यानी कि ये कितना बच गया, जी एम बाई फोर एल ओ टू रूट टू प्लस वन, जी आ गया अपने पास में। तो जो यहाँ से सोल्व करने पे इसको जो है वी स्क्वायर की वैल्यू यहाँ पे मिल रही है, तो वी स्क्वायर यानी कि वी एलसीएम ले लेंगे, तो इसका एलसीएम कितना आ जाएगा, वन बाई टू, एलसीएम में वन बाई टू, ये बाहर आ गया, और रूट में क्या बच जाएगा, जी एम टू रूट टू प्लस वन बाई एल। ऐसा कौन सा ऑप्शन में दे रखा है, रेडियस 1 मीटर दे रखी है, एल की जगह अपने को 1 मीटर कंसिडर करना है, तो 1 मीटर के लिए कैंसिल आउट हो जाएगा, ये 1 से अपॉन करेंगे तो यही मिलेगा, तो अपना सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो गया। क्वेश्चन नंबर 16 दे रखा है, और इसमें क्या करना है, मिलान करना है अपने को, तो सबसे पहले दे रखा है एडियाबेटिक प्रोसेस। एडियाबेटिक में क्या होगा, प्रेशर कॉन्स्टेंट होता है, नहीं वॉल्यूम कॉन्स्टेंट होता है, टेम्परेचर हीट कंटेंट कॉन्स्टेंट होता है, यानी कि ये मिला दिया पी फोर से मिल रहा है, तो पी फोर से, यानी कि ये वाला थर्ड तो गलत हो गया। फिर देखते हैं आइसोथर्मल प्रोसेस। आइसोथर्मल प्रोसेस यानी कि आइसोथर्मल प्रोसेस प्रेशर कांस्टेंट, वॉल्यूम कांस्टेंट नहीं, क्या होगा, टेम्परेचर कांस्टेंट, यानी कि क्यू थर्ड से मिल रहा है, क्यू थर्ड से मिल रहा है, क्यू थर्ड से, यानी कि फोर्थ वाला भी गलत हो गया। फिर आइसोकोरिक यानी कि वॉल्यूम कॉन्स्टेंट होगा, तो यानी कि आर सेकेंड से मिल रहा है, आर सेकेंड से मिला तो यहाँ पे फर्स्ट से मिल रहा है, तो ये गलत, तो यानी कि फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो गया, आइसोबारिक में प्रेशर कॉन्स्टेंट होता है। देखो कितना सस्ता सवाल था ये तो। क्वेश्चन 17 रिलेशन बिटवीन रेडियस ऑफ कर्वेचर एंड फोकल लेंथ ऑफ ए कॉन्वेक्स मिरर, इसमें क्या होता है, तो 9th से पढ़ते हैं अपन, क्या होता है, एफ इक्वल टू आर बाई टू, फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो गया इसमें तो। I1 दे रखा है मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रिंग ऑफ मास m एंड रेडियस आर अबाउट इट्स डायमीटर, तो कितना होता है उसकी वैल्यू, I1 की वैल्यू कितनी, रिंग के डायमीटर के अबाउट कितना मिलता है अपने को, एम आर स्क्वायर बाई टू, जी I1 की वैल्यू आ गई। फिर I2 दे रखा है मोमेंट ऑफ इनर्जी ऑफ डिस्क ऑफ मास m एंड रेडियस r थ्रू सेंट्रल एक्सिस परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ रिंग, इसके लिए कितना मिलता है अपने को, I2 परपेंडिकुलर होता है रिंग के लिए, तो I2 की वैल्यू सेम मिलती है, एम आर स्क्वायर बाई टू। फिर तीसरा I3 देख लेते हैं क्या दे रखा है, मूवमेंट ऑफ इनर्जी ऑफ सॉलिड सिलेंडर मास m एंड रेडियस r अबाउट इट्स एक्सिस, एक्सिस के अबाउट कितना होता है सॉलिड सिलेंडर का, वही एम आर स्क्वायर बाई टू, तीनों कॉन्स्टेंट है। फोर्थ देख रहे हैं मूवमेंट ऑफ इनर्जी ऑफ सॉलिड स्फेयर थ्रू इट्स डायमीटर, सॉलिड स्फेयर का इसके डायमीटर के अकॉर्डिंग कितना होता है, I4 निकाले अपन, तो कितना होता है 2/5 एम आर स्क्वायर। तो फिर यहाँ पे I1 I2 और I3 और I4 में रिलेशन पूछ रखा है, तो इनमें रिलेशन कितना हो जाएगा, I1 प्लस I2 को मैं ऐड कर दूँ, I3 प्लस I4 करना है, तो I4 में क्या लिख सकता हूँ मैं, 5/4 कर दूँ, यानी कि 5/4 कर दूँ, इसको 5/4 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो 5 1/2 आ जाएगा इसके इक्वल, यानी कि 5/4 इस तरह से ऑप्शन दिया हुआ था उसमें एक, तो ऑप्शन करेक्ट हो गया अपना।
क्वेश्चन नंबर 19, ये क्या स्पेक्ट्रल लाइंस ऑफ हाइड्रोजन एटम आर गिवन्स आर बिलो, यानी कि हाइड्रोजन एटम के लिए दे रखा है और फिर पूछ रहा है कि करेक्ट स्पेक्ट्रल लाइन ए बी और सी के लिए बताना है अपने को। तो इसमें ए के लिए क्या हो जाएगा, देखो एक इसमें आ रहा है, सबसे पहले आता है लाइमन, फिर आता है बामर, फिर आता है पास्टन, फिर आता है ब्रैकेट, फिर फंड, फिर एम्पर, इस तरह से आता है। लेकिन लाइमर और ब्रैकेट और फंड तीन ही तो पूछ रखा है अपने से। तो ये देखो पहले वाला लाइन लाइमन, फिर बामन और फिर ब्रैकेट, लाइमन बामर और फिर पास्टन, सॉरी। तो ये तीनों इस तरह से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा अपना, सीरीज लिमिट ऑफ लाइमन थर्ड लाइन, लाइमन बामर और पास्टन, ठीक बात है, फर्स्ट ऑप्शन ही करेक्ट कर दिया अपन ने यहाँ से। चलते हैं क्वेश्चन 20, डी ब्रोगली वेवलेंथ प्रोटॉन्स वेरियस इनवर्सली विद लीनियर मोमेंटम, ठीक बात है। तो कितनी होती है डी ब्रोगली लेंथ एच अपॉन पी, यही तो होती है, डी ब्रोगली ने यही तो दिया था, तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल, यानी कि ये तो ट्रू हो गया। फिर बाद में एज लैम्डा इंक्रीज एनर्जी एंड मोमेंटम इंक्रीज, कैसे होगा देखो, एच अपॉन पी को क्या लिख सकते हैं अपन, रूट के एम काइनेटिक एनर्जी के टर्म में, मोमेंटम में क्या लिख सकते हैं अपन इसको, एच अपॉन एम वी लिख सकते हैं। तो देखो ये भी इनवर्सली प्रोपोर्शनल आ रहे हैं लैम्डा के, तो ये वाली बात गलत हो गई, डिक्रीज होना चाहिए था यहाँ पे। तो स्टेटमेंट फर्स्ट इज ट्रू एंड स्टेटमेंट सेकंड इज फॉल्स, फर्स्ट ऑप्शन अपना करेक्ट हो गया 20 में। क्वेश्चन 21, क्या दे रखा है, ए 220 वोल्टेज एसी सप्लाई इज गिवन अप टू प्राइमरी सर्किट ऑफ ट्रांसफॉर्मर एंड एज आउटपुट ऑफ 12 वोल्ट्स डायरेक्ट करंट डीसी मिल रहा है, इज टेकन आउट यूजिंग रेस्टिफर इफ सेकेंडरी नंबर ऑफ टर्न वाज 24, फाइंड द नंबर ऑफ टर्न इन प्राइमरी कॉइल, ये पूछ रहा है। तो क्या क्या करते हैं उसके लिए अपन, जो नंबर्स ऑफ कॉइल में होते हैं वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं, वोल्टेज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। तो यानी कि प्राइमरी में जितना होगा उसके वोल्टेज के प्रोपोर्शनल, सेकेंड में जितना होगा वो उसके वोल्टेज के प्रोपोर्शनल। तो अपने को क्या करना है, प्राइमरी कॉइल में एन पी की वैल्यू निकालनी है, तो कितना हो गया एन एस इंटू वी पी अपॉन वी एस, यहाँ पे एन एस की वैल्यू कितनी दे रखी है अपने पास 24, वी कितना दे रखा है अपने पास 220 अपॉन ये कितना हो गया 12 है, तो ये कितना हो गया 2, यानी कि 440 वोल्ट, यानी कि इतने नंबर्स ऑफ कॉइल होंगे उसमें 440। क्वेश्चन 22, ए वर्टिकल क्रॉस सेक्शन ऑफ प्लेन इज वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाई 4, कोफिशियंट ऑफ फ्रिक्शन इज 0.5, फाइंड मैक्सिमम हाइट एट विच पार्टिकल कैन स्टे इन सेंटीमीटर, मैक्सिमम हाइट पूछ रहा है सेंटीमीटर में। तो देखो तो जो म्यू मिलता है अपने को उसको अपन टेन थीटा निकले, ये तो होता है म्यू, टेन थीटा इक्वल होता है, और टेन थीटा क्या होता है डी वाई बाई डी एक्स, यानी कि y का अपन डिफ्रेंशिएट कर दें। तो यहाँ पे y इक्वल टू क्या दे रखा है एक्स स्क्वायर बाई 4, अब इसका dy वाई बाई डी एक्स करेंगे तो अपने को क्या मिल जाएगा 2x बाई 4, यानी कि x बाई 2, dy वाई बाई डी एक्स ये मिल गया अपने को x बाई 2। तो यहाँ से म्यू की वैल्यू 0.5 है इंटू 2 इक्वल टू x, x की वैल्यू यहाँ से कितनी आ गई मैक्सिमम 1, तो x की मैक्सिमम वैल्यू ये पुट कर दो, तो y इक्वल टू कितना हो गया 1 बाई 4, यानी कि ये मीटर में है, तो यानी कि इसको क्या लिख सकते हैं 1 का स्क्वायर 1 होता है, यानी कि 100 सेंटीमीटर में चेंज करेंगे इसको, ये मीटर में है यहाँ पे, तो यानी कि कितना 25 सेंटीमीटर, इतना आंसर इसमें करेक्ट हो गया 25 सेंटीमीटर का। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23, फाइंड द मिनिमम फोर्स रिक्वायर्ड टू स्टॉप ब्लॉक फ्रॉम फॉलिंग, ये देखो कैसा बढ़िया सवाल दे रखा है ना, इसमें आंसर देखते हैं। ये नीचे नहीं गिरेगा इस पर, देखो एम जी फोर्स नीचे लग रहा होगा, एक एम जी फोर्स नीचे लगेगा, अपन जो इसे फोर्स प्रेस कर रहे हैं उसकी इसको एक नॉर्मल रिएक्शन मिल रही होगी जो कि अपन एन मान रहे हैं उसको, ये नीचे फिसलना चाह रहा होगा एम जी फोर्स की वजह से, लेकिन इसे रोकेगा कौन, फ्रिक्शन, लेकिन फ्रिक्शन इसे नीचे नहीं आने देगा। फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है म्यू इंटू नॉर्मल रिएक्शन एन, तो एन जो कि फोर्स के इक्वल दे रखा है, जितना फोर्स लगाएंगे उतना नॉर्मल रिएक्शन मिलेगा। तो एम कितना दे रखा है अपने पास, ये दे रखा है 0.5 इंटू 10, मास कहाँ दे रखा है ये दे रखा है इस ब्लॉक में लिख रखा है, और म्यू की वैल्यू कितनी है अपने पास में, म्यू कितना दे रखा है 0.2, और एफ जो कि अपने को निकालना है मिनिमम, यानी कि यहाँ पे 0.2 आ जाएगा, ये कैंसिल आउट, ये कितना आ गया 5, यानी कि इस पे अपने को रोकने के लिए 25 न्यूटन का फोर्स अप्लाई करना होगा, वो भी हॉरिजॉन्टली। टू आइडेंटिकल पार्टिकल ऑफ सेम मास आर शो इन जस्ट बिफोर कोलिजन एंड जस्ट आफ्टर कोलिजन, देन V1 और V2 की वैल्यू पूछ रखी है। सबसे पहले क्या करो, इजिली देख लेते हैं, इनिशियली ये भी हॉरिजॉन्टली जा रहा है और ये भी रेस्ट में, तो यानी कि इनका इनिशियली वाई डायरेक्शन में, इनिशियली वाई डायरेक्शन में जो इनका पी वाई इनिशियली वाई डायरेक्शन में जो मोमेंटम था वो जीरो था, तो फाइनल भी जीरो ही होना चाहिए वाई डायरेक्शन में, ये इनिशियली जीरो था तो फाइनली भी जीरो ही होना चाहिए, बस ये कंसिडर कर दो यहाँ पे।
क्यों? क्योंकि इसकी वेलोसिटी ओरिजेंटली दे रखी है, इसकी तो है ही नहीं कुछ, तो इनिशियली वाई डायरेक्शन में जीरो था, तो फाइनली भी जीरो होना चाहिए। अब यहाँ से दो कंपोनेंट मिलेंगे इसके, तोड़ देंगे तो अपन कौन सा ये मिलेगा V1 sin 30, और ये कौन सा मिलेगा V2 sin 30, ये देगा एक दूसरे के अपोजिट हो गए। यानी कि क्या मिलना चाहिए मेरे को, M1 V1 sin 30 इक्वल टू M2 V2 sin 30, तभी तो जीरो मिलेगा। यहाँ पे माइनस का सिंबल करके मैं जीरो करता तो ये इक्वल हो गया। तो M1 और M2 क्या दे, आइडेंटिकल पार्टिकल दे रखे हैं, तो M1 M2 एक दूसरे के इक्वल है। sin 30 और sin 30, यानी कि V1 sin 30 sin 30 कैंसिल, इक्वल टू V2, तो V1 अपॉन V2 का रेशियो 1 मिलेगा मेरे को। क्वेश्चन 25, आई की वैल्यू दे रखे है, फाइंड चार्ज फ्लो ड्यूरिंग टी इतने सेकेंड तक, 15 से कम तक, 15 सेकेंड तक पूछ रहा है कितना चार्ज फ्लो कर देगा। तो इसमें कौन सी बड़ी बात हो गई, dQ/dt इक्वल टू दे रखा है 20t + 8t²। अब dQ निकालना है मेरे को, तो इसका इंटीग्रेट कर दो, यानी कि 20t + 8t² और dt इधर आ गया, ये लो बस इंटीग्रेट करना है। अब 20t·dt + 8t²·dt इंटीग्रेशन करना है, तो 20t इसका कितना हो गया, 20t·dt का कितना, t² / 2, प्लस इसका कितना आ गया, 8 × t³/3, इतना इसका इंटीग्रेशन आ गया। तो ये कितना मिल रहा है, यहाँ पे लिख लेते हैं, यानी कि 10t² + 8t²t³/3। अब 15 सेकेंड के लिए पूछ रहा है ना मैक्सिमम, 0 से 15, तो 15 जीरो तो पुट करने का कोई फायदा नहीं मिलेगा अपने को। यहाँ पे इस तरह से अपन 0 से 15 करेंगे, तो 0 15 तो 0 मिलेगा, तो 0 को छोड़ देते हैं, तो 15 क्या हो गया, t × 15² कितना होता है, 25 + 8 × 15 × 225, ये कर दिया अपॉन 3, तो ये कितना हो गया 5। इसको ऐड करना है तो ये कितना 2250 प्लस ये कितना मिल जाएगा मेरे को 40, यानी कि इसको 40 से मल्टीप्लाई करो, 225 को 4 से करो, इतना मिल जाएगा 9000, ये 9000 ये मिल गया। अब इसमें ऐड कर दो तो कितना मिल जाएगा मेरे को, 2250 इसमें ऐड कर, तो 0 5 2 11, यानी कि 11250, इतना कूलाम चार्ज उसने प्रवाहित किया होगा, चार्ज फ्लो किया होगा इस टाइम ड्यूरेशन में। चलते हैं क्वेश्चन 26। ए 100 kg ब्लॉक्स कैन बी लिफ्ट बाय प्लेसिंग ए मास एम ऑन ए पिस्टन इफ डायमीटर, हाइड्रोलिक लिफ्ट में दे रखा है, इफ डायमीटर ऑफ पिस्टन प्लेस्ड एट वन एंड इज इंक्रीज बाय 4 टाइम एंड दैट ऑफ सेकेंड पिस्टन ऑफ डिक्रीज बाई 4 टाइम। नाउ सेम मास एम इज प्लेस्ड एट पिस्टन, देन हाउ मैनी kg वेट कैन बी लिफ्ट अप फॉर द न्यू स्टेप। इसमें क्या करना है, घुमा फिरा के पास्कल लॉ अप्लाई करना है बस। तो पहले मेरे पास मास कितना था, 100 था मैंने जी, इतना वेट हो गया अपॉन उसका एरिया A1 मान रहा मैंने। बाद में कितना हो गया वो, कुछ मैं एम मास का रख रहा हूँ जी, और उसका एरिया A2। यहाँ पे कह रहा है कि इफ डायमीटर ऑफ पिस्टन प्लेस्ड एट वन एंड इज इंक्रीज बाय 4 टाइम, 4 टाइम उसका डायमीटर इंक्रीज किया तो एरिया कितना हो गया, 16 टाइम, एरिया कितना हो गया 16 टाइम, एंड दैट ऑफ सेकेंड पिस्टन इज डिक्रीज बाय कितना, 4 टाइम, ये कितना हो गया, ये डिक्रीज हो रहा है 16 टाइम। फिर यानी कि यहाँ से क्या करें, ये डिक्रीज कर रहा है, ये एक वाला इंक्रीज कर रहा है और सेकेंड वाला डिक्रीज कर रहा है, दोनों कर रहे हैं 16 टाइम पे। तो मैं ऐसे लिख दूं, कैपिटल एम अपॉन स्मॉल जी, A1 की जगह क्या कर रहा हूँ मैं, 16 A1 इंक्रीज हो गया। बाद में क्या कर रहा हूँ मैं, यहाँ पे एम जी तो है ही, और ये कितना हो गया 16, यानी कि A2/16, ऐसे ही तो कह रहा है कि वो डिक्रीज कर रहा है 16 टाइम, और ये इनिशियली था, ये बाद में इतना हो रहा है, ये इतना हो गया इंक्रीज करके, ये डिक्रीज करके इतना हो गया। अब कैपिटल एम की वैल्यू निकालनी है यहाँ से, तो एम जी की वैल्यू ये वाली पुट कर दो, एम जी की जगह मैं A1 A2 कर सकता हूँ यहाँ से एम जी को हटा के, तो कैपिटल एम इंटू जी अपॉन 16 A1 इक्वल टू, इसकी जगह मैंने लिख दिया A2 × 100 g अपॉन A1 × A2/16, ये हो गया। तो देखो A2 से A2 कैंसिल, A1 से A1 कैंसिल, ये 16 ऊपर चला गया, तो ये कितना, जी से जी कैंसिल, तो एम इक्वल टू कितना आ गया, 100 × 16 × 16, तो ये कितना आ गया, 256 × 100, ये इतना kg मेरे को वेट करना पड़ेगा उस केस में जब ये इतना इंक्रीज और डिक्रीज कर रहे हैं। तो बढ़िया सवाल था ये भी, पास्कल लॉ पे अप्लाई करना था बस।
क्वेश्चन 27, टू प्लेनेट आर रिजोल्विंग अबाउट प्लेनेट विद टी वन और टी टू, उनके जो टाइम पीरियड है उनका रेशियो 1/8 दे रखा है, फाइंड द रेशियो ऑफ एंगुलर स्पीड। अब एंगुलर स्पीड का रेशियो पूछ रखा है तो इसमें क्या करना है, ये तो बहुत बढ़िया सवाल दे दिया उन्होंने। टी वन अपॉन टी टू दे रखा है 1/8, अब टी इक्वल टू क्या होता है, 2π/ω, ये लो। तो यहाँ से टी वन को क्या लिख सकता हूँ मैं, 2π/ω1, और टी टू क्या लिख सकता हूँ मैं, 2π/ω2। 2π से 2π कैंसिल, यानी कि ओमेगा 2 अपॉन ओमेगा 1 इक्वल टू 1/8, तो ओमेगा 1 अपॉन ओमेगा 2 इक्वल टू 8/1। तो कौन सा ऑप्शन यहाँ पे अपने पास मैच कर जाएगा, देख नहीं रखे, 8/1 ऑप्शन मैच हो जाएंगे यहाँ पे। क्वेश्चन 28, एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज प्रोपगेशन इन मीडियम वेयर म्यू आर दे रखा है और ई आर दोनों इक्वल हैं, यानी कि म्यू आर इक्वल है किसके, ई आर के, जो कि 2 के इक्वल है दोनों की वैल्यू। इफ स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम इज एक्स इंटू 10^7 मीटर पर सेकेंड, यानी कि फाइंड एक्स करना है, एक्स की मेरे को वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ से सबसे पहले अपने को पता है क्या, स्नेल नियम से अपन क्या लिख सकते हैं, जब मीडियम चेंज हो रहा होता है तो एन म्यू क्या होता है, म्यू लाइट की स्पीड अपॉन मीडियम की स्पीड, ये तो होता है किसी भी माध्यम का अपवर्तनांक, वैक्यूम में लाइट की स्पीड अपॉन उस मीडियम में लाइट की स्पीड के इक्वल होता है। तो यानी कि वी इक्वल टू सी बाई एन, ये कर सकता हूँ मैं, यानी कि मेरे को एन पता करना है, और एन क्या होता है, म्यू आर ई आर, यही तो होता है एन। तो एन की वैल्यू ये देख लो कितना हो गया, म्यू आर की वैल्यू 2, ई आर की वैल्यू 2, यानी कि 2 बार आ गया मेरे पास। तो ये सी कितना होता है, 3 × 10^8 मीटर पर सेकेंड, ये आ गया 2, तो यानी कि 1.5 × 10^8 मीटर पर सेकेंड, 15 × 10^7 मीटर पर सेकेंड, तो यानी कि एक्स की वैल्यू कितना मिल गई मेरे को, 15। देखो कितना बढ़िया सवाल था। क्वेश्चन 29, वीएम दे रखा है 20 sin 100πt + π/4, फिर दे रखा है वीई दे रखा है, मेरे वीसी दे रखा है 80 sin, ये 10^4 πt + π/6। अब इसमें क्या पूछ रहा है, प्रतिशत चेंज पूछ रहा है एम्पलीट्यूड में मॉड्यूलेशन वेव के, तो जो एम परसेंट में आता है वो कितना आता है, एम्पलीट्यूड अपॉन एसी में इंटू 100, यही तो करना है। अब इसका एम्पलीट्यूड कितना दे रखा है, मॉड्यूलेटर का कितना दे रखा है 20, सी का कितना दे रखा है अपने पास 80, इंटू 100 कर दो इसको, तो ये कितना मिल रहा है मेरे को, ये 4, ये 10, यानी कि 25% मिल रहा है। अब चलते हैं क्वेश्चन 30, इन एसी सीरीज आर एल सी रेजोनेंस सर्किट रेजिस्टेंस दे रखा है 6.2 ओम, फ्रीक्वेंसी दे रखी है 10 MHz, एंड सेल्फ इंडक्शन दे रखा है L2 × 10^-4 हेनरी इज गिवन, फाइंड क्वालिटी फैक्टर ऑफ सर्किट। अब सर्किट का क्वालिटी फैक्टर देखना है मेरे को, तो जो क्वालिटी फैक्टर होता है वो क्या होता है, XL/R, और XL क्या होता है, ωL/R, ये तो होता है क्वालिटी फैक्टर। अब यहाँ पे ओमेगा कितना दे रखा है, ओमेगा मेरे को पता नहीं, फ्रीक्वेंसी दे रखी है, तो फ्रीक्वेंसी के टर्म में ओमेगा को लिख लूँ 2πf × L/R। अब ये कितना हो गया, 2πf कितना दे रखा है, 10 × 10^MHz में दे रखा है ये, तो 10^6 Hz हो गया, इंटू एल कितना दे रखा है, इंडक्शन अपने को 2 × 10^-4, और रेजिस्टेंस 6.2 Ω, तो इसकी वैल्यू से तो ये कैंसिल हो जाएगी ना, 2π की वैल्यू तो यही होती है, इतनी बढ़िया कैलकुलेशन दे रखी है देखो, तो ये कितना 20 × ये कितना 10^2, इतना अपने को, यानी कि 2 × 100, ये अपने को आंसर मिल गया 2000। तो इस तरह से देखा, ये जेई मेंस का पेपर का लेवल था, फर्स्ट पेपर में आ रखा, इसका नीट से भी बेकार, मतलब नीट में भी ऐसा ही लेवल होगा, आप ये नीट के लिए भी प्रैक्टिस कर सकते हैं, ये पेपर ऐसा नहीं कि मेंस के लिए दे रखा है केवल, प्रैक्टिस से आप बढ़िया कर सकते हैं अपने नीट में भी, तो ऐसा कुछ हाई लेवल नहीं था कि नीट वाले नहीं कर सकते, इसको सब कर सकते हैं। थैंक यू।